आपका नाम क्या है? कांति। कांति, कहाँ से आप? उमरगांव है, उमरगांव स्टेशन है, संजन स्टेशन है। हाँ से नारगोल दरिया किनारे पे, संजन स्टेशन से 10 किलोमीटर अंदर है दरिया किनारे पे। कहाँ से आए हो अभी आप? दरिया में से कम 120 किलोमीटर अंदर से आ रहा हूँ मैं। कितने दिनों के लिए गए थे? 10-11 दिन हो गए। जो मछली निकाला है वो पहले लीलाम होएगा, बाद में कांटे का माल निकलेगा, जो तांसोड़ माल निकलेगा, ऐसा रहे इसका भाव लगेगा तो अच्छी है, नहीं तो कुछ नहीं। दिस इज भावचा धक्का, नेम्ड आफ्टर लक्ष्मण हरि अजिंक्य, अफेक्शनेटली नोन एज भाव और बिग ब्रदर। Located along the coast of Dockyard Road on the eastern seafront at Mumbai, this wharf serves as a base of livelihood for countless fishermen. Bombay did not have a regular pier for goods or passengers until 1835. The government started leasing land to private individuals to build wet docks. Bhau took the initiative to build Bombay's first wet dock in 1841. This seafood market opens at 5 a.m. with the arrival of catch by boats and trawlers. ऑक्शन चालू होता है 6 o'clock टू 8 o'clock 8:30 तक ऑक्शन होता है, जहाँ बोम्बी धौला मूशी जो छोटे छोटे बारीक माल होते हैं जो काटे पे नहीं आते, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, पर बाजार में भाव ज़्यादा होता है, डिमांड लोकल डिमांड ज़्यादा होती है। ये भली लोग टोकरी भर के लेके आ रहे हैं, ये पूरा माल पूरे पूरे बॉम्बे में घूमता है, छोटी छोटी जगह होती है। बाद में उसके बाद लोग लॉबस्टर टाइगर हाई वैल्यू माल लेकर वो बड़ा ऑप्शन होता है, बड़ा ऑप्शन होता है। हम लोग खुद क्या यहाँ हमारा स्टाफ है, हम लोग ये बिजनेस में करते हैं 40 साल से, बैट का बिजनेस है 40 साल, और बाद में एंडिंग में कांटा लगता है जहाँ पर हम लोग अलग दूसरा माल क्रॉकर रेबन फिश ये सब आते हैं, वो ऑन स्केल वेट स्केल ही हम लोग उसको वजन करके देते भाव करते। हमारे भाई सारे एक्सपोर्टर, सारे एक्सपोर्टर यहाँ बॉम्बे में अप्रॉक्सीमेट 20-25 हर एक माल का अलग भाया है, ये स्पेशलाइज है, व्यवसाय सी फूड हुआ, उल्का हुआ, नायक हुआ, अलग 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 कंपनियाँ हैं जो अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से माल बनाते हैं। श्रिम्स की अलग अलग क्वालिटी होती है, श्रिम्स की मीडियम क्वालिटी जिसको मीडियम बोलते हैं, एक को कापसी बोलते हैं, जैसे बिगर क्वालिटी फ्लावर आता है, बीपी आता है, तो वो हिसाब से जो जो अपनी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके रिपोर्टर आते हैं, दे आस्क फॉर द रेट, अगर हमको जानते हैं तो हम लोग उसको देते हैं। तो ये बोर्ड की कंडीशन, अब मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोगों को जानता हूँ, उनके बच्चे लोग ना जो हाईली एजुकेटेड, जैसे मैं भी हूँ, हाई हाई एजुकेशन, उसके बाद लोग यहाँ आना नहीं चाहते, उसका रीज़न क्या है? तो वे भी वो कम्प्लीटली आना होगा, कपड़े ख़राब होते हैं, इस थिंग वी गोइंग टू बैंक ना, तो मैनेजर थोड़ी देर बोलता है सर रख दूँ, तो इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करें धीरे धीरे, और जिस पूरा रिपेयर वर्क चालू है, सिस्टम इज गेटिंग चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस, इट इज वॉश, इट्स अ क्लियर प्लेटफॉर्म, इट इज कम्प्लीटली वॉश, किसी तरह केमिकल नहीं रहता इसको, कम्प्लीटली वॉश, वहाँ कोई भी माल नहीं गिरा डब। The dock offers more than 400 types of seafood. More than 700,000 ton of seafood is handled every year at the three seafood markets in Bombay. Bhautsa Dhakka alone handles 2,000 metric ton of seafood per day. India mein ye quality milti nahi, completely getting exported. US, Europe, China, India mein milta hi nahi. Main aapko dikhaunga shrimp ki itni badi quality, you have never seen it. Khali yahi dekhne mein. In 5 star hotel. ये
बिजनेस सबके लिए नहीं, 4x4 का कोना है, यही हमारी दुनिया है। ऑफिशियली क्या होता है, 9 महीने हम लोग के लिए सुबह 5 से लेके शाम यही होते, फिर 3 महीना बंद रहता है बारिश होता, बाकी हम लोग की 9 महीने की जिंदगी जारी है।